जैसे कि आप लोग का 33 डेज का बुलेट राइड था ना 8 स्टेट्स में, जहाँ पे आप लोग डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, रेसिज्म को लेकर आप लोग ने टूर किया था, तो उसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल कर दीजिए, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो जो हमारा राइड है, जैसे आपने बोला, रेसिज्म का ऊपर है, और इनके इन दैट साथ में एडिशनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रमोट करने के लिए है, अवेयरनेस। एक्चुअली ये पर काम क्रिएट अवेयरनेस के लिए गया था, तो जिसका हम लोग स्टार्ट 18 अक्टूबर यहाँ से अरुणाचल से किया, और उसके बाद पूरे हमने फ्लैग ऑफ दिल्ली से किया गया, वहाँ से उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू, ऐसे करके पूरे ये नॉर्थ इंडिया पार्ट के 8 स्टेट में हमने पूरा कवर अप किया। और ये मतलब राइड का प्रोग्राम में हमने ऐसा रखा कि जितने भी 8 स्टेट का नाम हमने लिया है, इसमें हम लोग स्कूल्स, स्पेशली जो बच्चे होते हैं क्लास 10 सेकेंडरी हायर लेवल के, उसको लेकर, उसके साथ साथ में जो रूरल एरियाज है जिसमें बस्ती इलाका पड़ता है हर स्टेट के, वहाँ वहाँ जाकर हमने अवेयरनेस दिया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे और रेसिज्म के ऊपर, कि किस तरह से लॉकडाउन के समय में या उससे पहले तो होता ही था, रेसिज्म तो सभी जानते हैं कि कितना फेस करते हैं, मतलब अभी तक जानता है, तो उसको लेकर और हमने अवेयरनेस दिया। और ये खास करके ये जो कोविड का समय में बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, क्योंकि हम लोग का लुक्स के कारण, तो इसको लेकर हमने वहाँ गया और अवेयरनेस दिया कि ऐसा ऐसा होता आया है अभी तक, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग से लाइक आने वाले समय में आप लोग अगर हमारे तरह कोई दिखे तो उनके ऊपर आप लोग रेजिस्ट ना करें या उनको अलग ना समझें, तो और कह सकते हैं कि हम लोग पीस एंड ब्रदरहुड के ऊपर भी जाके, मतलब जाके बहुत सारा, मतलब हमने बहुत इंटरेक्शन किया और सभी ने बहुत ही अच्छा से गया। तो अभी तो ऐसे कहते हैं कि लाइक राइडिंग राइडर्स, तो लाइक लोग सोचते हैं कि इसको बस घूमना फिरना ऐसा सोचते हैं, मगर हमारा खुद का राइडिंग के अंदर में ही बहुत रूल्स रहते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग बहुत ही फॉलो करते हैं जिस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इस राइड में जैसे कि हम मुझे इंटरेक्शन इंचार्ज दिया गया और राइड कैप्टन ये है मेरे सामने, तो पूरा 33 डेज का राइड को इन्होंने कोऑर्डिनेट किया और सबके साथ में लाइक पूरा ऑल ओवर राइड को इन्होंने ही लीड किया, तो बाकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप इनसे जान सकते हैं। जैसे आप लोग वापस आए, काफ़ी वार्म वेलकम हुआ, और कह सकते हैं अरुणाचल बुलेट क्लब की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हर बार देखने को मिलता है, कोर्स को लेकर आप लोग राइड करते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप लोग आगे आते हैं जो क्लब है बुलेट क्लब, तो एज अ होल आप लोग का जो एक्सपीरियंस 33 डेज का एक्सपीरियंस को हम जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस बोलने से तो सबसे पहले अच्छा था, बट कोई कोई स्टेट में तो हाँ हम लोग को रेजिस्ट किया था, क्योंकि आने का साथ साथ जैसे कि फर्स्ट स्टेट हम लोग दिल्ली से शुरू करके यूपी बिजनौर में हम लोग को डायरेक्ट चाइनीज़ बोल दिया। कोई कोई स्टेट में तो मालूम ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, अरुणाचल कहाँ पर है, तो एक्सपीरियंस फर्स्ट में तो बहुत थोड़ा सा डर था, क्योंकि फर्स्ट हम दोनों का फर्स्ट टाइम ये लॉन्ग राइड है, 33 डेज का लॉन्ग राइड था, तो डर है, लड़की भी है ऐसे हो के, बट एक्सपीरियंस अच्छा था ऑल ओवर 33 डेज। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग का जब रिटर्न हुआ काफ़ी वार्म वेलकम किया गया था आप सबको जी, और आज के दिन में गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी आप सबको बुलाया, तो आप बता पाएंगे क्या बातें हुई अंदर और क्या क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले गवर्नर सर और मैम को तो थैंक यू। तो आज लाइक गवर्नर सर के तरफ से और फर्स्ट लेडी मैम के तरफ से दोनों ने ही बहुत ही लाइक इसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने हमें बोला कि मतलब यूजुअली लोग कुछ भी प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले हमसे कई बार मिलते हैं ऑफिशियली, मगर आप दोनों सक्सेसफुल इसको कंडक्ट करके इतना अच्छा से आके मालूम हुआ, तो लाइक वो लोग बहुत ही सरप्राइज थे और बहुत ही लाइक हम लोग को अप्रिशिएट किया। और बोला गया कि पहले तो पूरा हम दोनों का डिटेल्स पूछा, एक्सपीरियंस पूछा, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या सपोर्ट मिला है वो भी पूछा, क्योंकि यूजुअली बहुत लोग हम ये मिसकंसेप्ट में है कि ये हमें सरकार की तरफ से भी स्पॉन्सर है या हेल्प ऐसे कुछ है ना, मोरली तो मिला गया, मगर हम लोग ने अभी भी क्लियर कर दूँ कि अभी तक ऐसे हम लोग सरकार से कभी लिया नहीं गया है। उसके बाद ऐसे बोलने के बाद में सर सुनने के बाद में बोला है कि आने वाले समय में अगर कभी भी ऐसे दोबारा कुछ कंटेंट को लेकर अगर आप दोनों या क्लब की तरफ से कुछ इनिशिएट लेंगे तो उन्हें ज़रूर याद करें, और वो इनके तरफ से, सर की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सरकार साथ देंगे ऐसा बोला गया है। जैसे आप दोनों ने तो एक रिप्रेजेंट किया नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ना, तो
इन कमिंग डेज अगर कुछ कोई और भी अगर ऐसा सोचता है, प्लान करता है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को या फिर अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे ना नेशनल लेवल, सो दैट रेसिज्म एंड देन जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेकर आप क्या मैसेज बताएंगे? नहीं, मैसेज लाइक वही रहेगा कि एज एन सिटीजन सबका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, खुद का एक जो कहते हैं देशभक्ति भाव जागता है, तो उसी तरह हमारे मन में भी लाइक अपने नॉर्थ ईस्ट को लेकर, अरुणाचल को लेकर तो हमेशा ये तो रहता रहता है। तो हर कोई अभी भी शायद कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट को अरुणाचल को लेकर प्रमोट करे, डिपार्टमेंट भी करता है, सरकार भी करता है, तो हर बार लोग मतलब सरकार के ऊपर कहता है कि अच्छा से काम नहीं करता है। तो हमने सोचा सरकार को बोलते बोलते रुकते रुकते खुद भी अपने तरफ से कुछ इनिशिएट लेना है ऐसे सोचकर, तो सभी का अपना ड्यूटीज है। तो अगर कोई सोचे कि ऐसा क्या कर सकते हैं अरुणाचल को लेकर, क्या प्रमोट कर सकते हैं, वो सबका अपना तरीका से कैसे भी कर सकते हैं, वो इसमें इनिशिएट लेना ना लेना वो उनके ऊपर है, क्योंकि सभी अपने मर्जी के मालिक हैं, वो कह सकते हैं। तो हमारा भी लोगों ने कई बार बोला कि कुछ काम नहीं है, राइडिंग वाइडिंग करके क्या अरुणाचल को प्रमोट करेंगे, क्या नोटिस के लिए करेंगे, और इस लड़कियों का काम मतलब तुम लोग जो कर रहे हो क्या सही है, कि बहुत सवाल उठाया है। और ऐसे भी मतलब काम नहीं, ये लड़की लोग घूमता फिरता ऐसे भी सोचते होंगे, तो मगर सबके अलग अलग नज़रिया है, लोग ऐसे सोचते हैं। तो गवर्नर सर का अलग नज़रिया है, उनको लगा सही है, इसके कारण अप्रिशिएट किया। तो हर जगह से अप्रिशिएट और डिस्क्रिमिनेशन या नेगेटिव हर जगह से आता है, तो कोई बात नहीं, वो सब चलते रहेगा। तो हमारा काम है करते जाना, और जो और भी लोग होंगे वो भी करते रहिए, और लोगों के बातों को इग्नोर करिए, बस वही है। थैंक यू।